माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वेलकम गाइस 111 टैरेट चैनल के ऊपर। और आज के रीडिंग में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ दैट आपका कल का दिन यानी कि 8 तारीख का दिन कैसा जाने वाला है। आज 7 है और मैं प्रिडिक्शन कर रही हूँ कल की। गाइडेंस वीडियो है आप सभी लोगों के लिए, जिनको पसंद आता है वो जरूर देखते हैं इस वीडियो को और बहुत ही ज्यादा वेट करते हैं इस वीडियो का। इसलिए मैंने आपसे सोचा है कि लेट नाइट ही इस वीडियो को डाला करूंगी ताकि आप नेक्स्ट डे उस चीज के लिए, उस स्ट्रगल के लिए, उस पॉजिटिविटी के लिए एकदम प्रिपेयर रहें। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपका कल का दिन कैसा जाने वाला है। 8 तारीख 8 जुलाई, और आई होप आज साथ ही है। आज हाँ, आज साथ ही है। ओके, तो हमारे पास है यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड। मैं रिवर्सल रीड नहीं करती हूँ इसलिए मैंने रिवर्सल नहीं लिया। ठीक है, फिर हमारे पास 5 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, घर की तरफ से थोड़ा सा बच के रहिएगा गाइस। Ace of Pentacles एंड एक कार्ड और निकालती हूँ, ये वाला पेज ऑफ सोर्स। बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ पेनिकल्स। ओके, सारी चीजें समझ में आ गई मुझे चार पांच कार्ड देख के। मैं बताती हूँ बहुत सारे लोगों के लिए जो कल का दिन है काफी ज्यादा सही रहेगा, मतलब काफी ज्यादा अच्छा तो नहीं बट हाँ ठीक रहेगा। लाइक ठीक ठीक वाली एनर्जीज मैं देख रही हूँ। मैं यहाँ पे ऐसा देख रही हूँ जैसे कि आप दोनों इंसेंस, आप और आपके पार्टनर, पहले मैं थोड़ा सा लव के बारे में बता देती हूँ। आप और आपके पार्टनर के बीच में किसी तरीके की बात हो सकती है, किसी भी तरीके की बात हो सकती है। अगर आप लोग नो कम्युनिकेशन में, इट डजेंट मीन कि नो कम्युनिकेशन में है या कम्युनिकेशन में है, ऑन एंड ऑफ है, क्या है क्या नहीं है, एक तरीके की इमोशनल बात होते हुए मुझे नजर आ रही है। ये चाहे टेक्स्ट में हो चाहे कॉल में हो, ठीक है, लेकिन किसी तरीके की बात हो सकती है आप दोनों के बीच में। आपको ये पता लग सकता है दैट दिस पर्सन इज स्पाइंग ऑन यू, या आपको नोटिस करें, या आपको स्टॉक करने की कोशिश करें, आपको ये भी पता लग सकता है। एंड द थर्ड थिंग जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ वो है कि कहीं ना कहीं वो आपसे लड़ाई कर सकते हैं या किसी तरीके का झगड़ा कर सकते हैं, इमोशनल टॉक के साथ किसी ना किसी तरीके का झगड़ा, या फिर किसी तरीके का कोई ब्लेम गेम भी हो सकता है कि वो आपको बोले कि तुम मुझे ऐसे समझा देती या तुम मुझे ऐसे समझा देते, तो आप उनको कुछ बोल दोगे और आपस में एक तरीके की फाइटिंग वाला सिनेरियो मैं देख रही हूँ। ठीक है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं, गलत बात है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा बताती हूँ घर को लेकर के। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा सा घर में ध्यान देने की जरूरत है, अपने काम और अपने पर्सन के अलावा भी आपकी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं अपने घर को लेकर के। तो आपके घर के अंदर लड़ाई होने के चांसेस हैं आपके साथ। हो सकता है आपकी और आपकी मदर की लड़ाई हो जाए या आपकी आपके सिबलिंग की लड़ाई हो जाए, तो किसी ना किसी के साथ आपके घर में लड़ाई झगड़े होने के चांसेस है, तो आपको उससे भी बच के थोड़ा सा रहना है। ठीक है, अब अगर मैं थोड़ा सा आपको करियर के बारे में बताऊं तो करियर के लिए मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है, इफ यू आर अ स्कूल गोइंग और कॉलेज गोइंग पीपल, तो आप लोगों को काफी ज्यादा मतलब एकदम नॉर्मल सा डे रहेगा। ऐसा कुछ खास मैं आप देख नहीं रही हूँ। इफ यू आर वर्किंग ऑन MNC और समथिंग, कोई जॉब कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं, सो डेफिनेटली यू विल गेट सम काइंड ऑफ गुड अपॉर्चुनिटीज। कुछ नया, कोई नई अपॉर्चुनिटी, कुछ अच्छा आप लोग लेने वाले हो, कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली है आप लोगों की जिंदगी में आज कल के दिन, सॉरी 8 तारीख के दिन, जो कि आपके मनी को रेस करेगी, जो कि आपके लेवल को रेस करेगी, आपका डेवलपमेंट करेगी और आपको काफी ज्यादा खुशी महसूस होगी। ये एंजल्स एंड डिवाइन की तरफ से आपके पास आने वाला है ऑफर। ठीक है, ओके, चलिए अब थोड़े से मैं आप लोगों के लिए ना डिवाइनिक कार्ड्स देख लेती हूँ फ्रॉम द एंजल ओरेकल डेक, जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत है। देखने की कोशिश करते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपने क्या क्या करने की कोशिश करनी है। आपके लिए यहाँ पे रिकवरी, देन है हमारे पास रिमेन पॉजिटिव, कम्युनिकेट क्लियरली, देख लो तीनों ही चीजें आ गई, एंड आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। गाइस सिंपल सी बात है, घर में लड़ाई होने के चांसेस हैं, इसलिए आपको बोला जा रहा है कि रिकवरी का कार्ड है, थोड़ा सा रिकवर कर लो, अपने आप को रिकवर कर लो या सिचुएशन को रिकवर कर लो, पॉजिटिव रहने की कोशिश करो, चाहे जैसा भी सिनेरियो हो आपकी जिंदगी में, आपके पर्सन के साथ आपकी बात होने के चांसेस हैं तो कम्युनिकेट करो ठीक तरीके से। ठीक है, तो ये 3 कार्ड एंजल्स की तरफ से हैं आपको। एंड दूसरी चीज मैं आप लोगों को बताऊं तो अब मैं आपको बताती हूँ आपने करना क्या एग्जैक्टली। एक तो कल सुबह सबसे पहले कुछ फ्लावर्स लेकर आए,
कोई बात नहीं, गमले में से एक फ्लावर तोड़ लो और अपनी मम्मा को देने की कोशिश करो। अगर आप रेड या व्हाइट फ्लावर देते हैं तो वो बहुत अच्छा होगा, ठीक है? रेड या व्हाइट, व्हाइट दें तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। छोटा सा ही दे दें लेकिन दें। आप अपने मदर को दे सकते हैं, अपने सिबलिंग को दे सकते हैं, अपने फादर को दे सकते हैं। वैसे मदर और सिबलिंग के ज्यादा चांसेस है लड़ाई झगड़े के, ठीक है? एंड थोड़ा सा उनके साथ 5-10 मिनट आप बैठने की कोशिश करें, देखने की कोशिश करें कि वो आपसे कुछ कहना तो नहीं चाहते हैं, कि आप इतने ज्यादा बिजी हो गए हैं कि आप उनको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है? एंड जो लोग कॉलेज और स्कूल गएंगे उन लोगों के मैं बोलूंगी कि आप प्लीज अफर्मेशन का पानी अपने बोतल में जरूर कैरी कीजिएगा। एंड जो लोग अभी किसी जॉब वगैरह में है तो उन लोगों को मैं बोलूंगी कि आप ज्यादा से ज्यादा ग्रीन कलर के कपड़े पहन के जाइएगा कल के दिन। आप लोगों का काम बहुत खूबसूरती के साथ बनेगा, ठीक है? तो ये सब कीजिएगा, बहुत पॉजिटिव रहे आप लोगों का कल का दिन। आई होप सो मंगलमय हो आप लोगों का दिन, पॉजिटिव हो, खुशियों से भरा रहे। आई होप फॉर दी बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। बस आप थोड़ा सा अपने पार्टनर से ठीक तरीके से बात करें अगर आप लोगों की बात होती है तो, और पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिएगा, खुद से बहुत सारा प्यार कीजिएगा। लव यू अलॉट आप सभी लोगों को, बाय।